पीडीएफ क्लियर नहीं है अगेन। क्लोज एनीवे हियर वी हैव टू सी अ व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आ गया। क्लोज एनीवे हियर पीडीएफ एंड 1.24 MB। हाँ क्लियर है। हाँ वो एक पेज का नहीं है, वो एक्चुअली मैं 6 पेज का है। चलो सब लोग आ गए। बेसिकली मैं टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराना चाहता हूँ, तो इंटरनेट की वजह से सब दिक्कतें आ रही हैं इसके अंदर। चलो एक पेज पढ़ाए थे कल, इसको रिवाइज कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा डार्क लाइट पढ़ना है, ये बेसिकली मेरा इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब सारी चीजें आती हैं। तो चलो रिकॉर्डिंग्स पे हमने ऑन ऑन कर दिया है ताकि तुम लोग रिकॉर्डिंग भी इसका देख सको और इजी वे में। संदीप एक बार हमें थंब दे दो कि रिकॉर्डिंग इसका ऑन है, साइड से दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे और ताकि यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे ताकि अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सको। एंड बेसिकली दिस फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमने इसको लास्ट में लिया। ओके सो रिकॉर्डिंग ऑन है ना। देखो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कितने दिन से करना चाह रहे हैं। फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको हम कल बताए थे कि सर कोई भी अगर प्लांट अगर डे और नाइट के हिसाब से रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम फोटोपीरियोडिज्म बोला जाता है। फिर हमने देखा था क्रिटिकल फोटो पीरियड भी, कल हमने बताया था कि सर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द फ्लावरिंग। किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए एक मिनिमम फोटो पीरियड जो चाहिए होता है कि वो फ्लावरिंग हो जाए, उस मिनिमम ऐसा मतलब मिनिमम लाइट दें भाई उस पे फ्लावरिंग हो जाए उसको बोलेंगे फोटो पीरियड। और आपको हम कल बताया थे कि जो फ्लोरल बर्ड होता है, मीन्स फ्लोरल बर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने बताया कि बच्चा फ्लोरल बर्ड को एक मिनिमम जो लाइट देते हैं अगर उसे 10 घंटा से ज्यादा देते तो खुश रहेगा और 10 घंटे से कम दोगे तो वो नाखुश रहेगा। फिर हमने कल देखा था कि फोटो पीरियडिज्म क्या होती है, तो उसके टर्म को गार्नर ने एक्सप्लेन किया था, लार्ड ने। उन्होंने 1920 में मैरी ममूथ एक वैरायटी टोमेटो प्लांट का लिया था। इन्होंने देखा था कि वो समर के सीजन में वो फ्लावरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, बल्कि विंटर सीजन में उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग दोनों अच्छे तरीके से हो जा रही है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के बारे में, क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं ठीक है बच्चा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये इस पे आपको ध्यान बहुत अच्छे से देना है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट। अभी आगे बढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट में कौन से होते हैं, तो आप बताओगे सर लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट, तो देखेंगे। तो इट वाज फर्दर कंक्लूडेड दैट फ्लावरिंग इन टोबैको प्लांट इज प्रमोटेड इन शॉर्ट डे प्लांट। तो मतलब इसके पहले आप देखे थे कि जो टोबैको का जो भी हमारा प्लांट वहां पे था, तो आपने देखा था कि सर समर सीजन में उसकी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही थी पीछे के सीजन में। हाँ पीछे के सीजन में, समर सीजन में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी नीलम। हाँ यही नाम पढ़े हैं पीछे कि सर जो वो टोबैको का जो प्लांट था वो समर सीजन में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, विंटर सीजन में फ्रूटिंग हो रही थी। तो आप यही कहोगे ना समर सीजन में क्या होता है, डे बड़ा होता है, जो डे बड़ा होता है वो बड़ा होता है ना, दिन बड़ा होता है, रात थोड़ी छोटी होती है। और रात ठंडी के सीजन में क्या होती है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। तो उन्होंने बाद में रिजल्ट में क्या निकाला, इन्होंने कंक्लूड किया मतलब कि पूरे जब एनालिसिस किया तो उनको ये पता चला कि सर जो फ्लावरिंग टोबैको में हो रही थी वो शॉर्ट डे प्लांट की थी। क्या थी, शॉर्ट डे प्लांट, जिसमें दिन जो होता है वो कम होता है, मतलब कि ऑलमोस्टली ना ठंडी सीजन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा सर जो उसमें फ्लावरिंग हो रही थी वो शॉर्ट डे प्लांट था, शॉर्ट डे प्लांट मतलब कि जो दिन होगा उसमें शॉर्ट होगा मीन्स छोटा होगा। तो कहने का मतलब दिन छोटा कब होता है, जब विंटर सीजन वगैरह आते हैं। तो इसका आपको एब्सोल्यूट एंड बेसिक रीजन पता चल गया, सर ये विंटर सीजन में फ्लावरिंग हो रही थी क्यों, क्योंकि वहां पे शॉर्ट डे लेंथ होता है, छोटा डे होता है, दिन छोटा होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं शॉर्ट डे लेंथ। तो आपने यही बोला है ना इसके पहले कि सर टोबैको जो प्लांट था उसके अंदर समर में फ्लावरिंग नहीं होती क्योंकि वहां पे दिन बड़ा होता है, लॉन्ग डे होता है। तो अगर दिन में हो जाता वहां पे समर सीजन में होता तो बोल देते तुम लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो विंटर सीजन में ग्रो कर रहा था या फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही थी, तो आप यही बताओगे ना कि सर ये शॉर्ट डे प्लांट है। क्या बताओगे, शॉर्ट डे प्लांट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैन वी मूव फॉरवर्ड। ओके अब देखो बच्चा, जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम एग्जांपल ले रहे, जैसे हमारे सन है, सन है
तो सन जो होता है ना, जैसे कि सन हमारे किसी भी फ्लोरल बर्ड अगर सुबह सुबह देखोगे जो फ्लावर होता है, अगर वो अभी फ्लावरिंग नहीं किया रहता है, तो बेसिकली अगर आप याद करोगे जब सन की रेस पड़ती है इस फ्लोरल बर्ड के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, जैसे पड़ती है तो फ्लावरिंग हो जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आप जान गए कि सर इट इज ओनली सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। कहने का मतलब कि सनलाइट तो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सूरज का किरण पड़ेगा तो फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन क्या ये सही है कि सिर्फ सूरज ही रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ सूरज ही होगा तभी फ्लावरिंग होगा? नहीं, पानी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो यही पूछ दिया गया, मान लो कि इट इज ओनली सनलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, तो आप बताओगे नो, लेकिन फ्लावरिंग के लिए सन रेज का रहना बहुत जरूरी है। सन रेज आएगा नहीं, सन रेज मतलब क्या होगा, लाइट। लाइट जब दोगे नहीं, तो कोई भी प्लांट, एक लाइट वाला प्लांट होता है, एक डार्क वाला प्लांट होता है। तो जब लाइट लाइट दोगे तो उसके अंदर जो फ्लोरिजन हार्मोन हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो फ्लोरिजन हार्मोन निकलेगा नहीं। जब फ्लोरिजन हार्मोन नहीं निकलेगा तो फ्लावरिंग कैसे होगी बच्चा? इसलिए हम फ्लोरिजन को आपको पहले पढ़ाए थे ताकि इसको आप आसानी से, हम देखो मैंने क्या फ्लोरिजन हार्मोन में बताया था कि बच्चा फ्लोरिजन हार्मोन कब एक्टिवेट होगा, जब लाइट पड़ेगी, जब सूर्य की किरणें पड़ेगी। लाइट जब स्टार्टिंग में देते हो तो फ्लोरिजन हार्मोन निकलता है, फ्लोरिजन निकल के फिर ढेर सारे फ्लोरल बड में जाता है, उसके लीव्स वगैरह में जाता है, और जाने के बाद वहां पे फ्लावरिंग कर देता है। तो यही बता रहा है कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लावरिंग, बट सिर्फ सन ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सन को ही पावरफुली मानोगे तो ये जरूरी नहीं है, तो उसमें नो बताओगे। तो आप बताया गया कि देयर हैड बीन समथिंग विच गेट एक्टिवेटेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट। एक्सपोजर ऑफ लाइट मतलब होता है नीलम संदीप की, जब लाइट पड़ेगा तो कुछ तो प्लांट के अंदर है कि एक्टिवेट हो जाता है। तो आप कहोगे कि सर वो है हमारा एक सुगर का हाइपोथेटिकल जो हार्मोन बन जिसका नाम है फ्लोरिजन। सर जब सूरज की लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद वो सारे प्लांट में फैल जाती है और फ्लावरिंग हमारी हो जाती है। तो यही बता रहा है कि सर देयर इज समथिंग इन द प्लांट दैट गेट एक्टिवेटेड ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट। एक्सपोजर ऑफ लाइट मतलब कि जब लाइट पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। कुछ तो प्लांट में ऐसा है जो लाइट पड़ती है तो एक्टिवेट हो जाती है और फ्लावरिंग कर जाती है। वही सुबह सुबह उठ के देखोगे तो अभी अभी बड की तरह रहता है, लेकिन जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है वो फूल हो जाता है अच्छे तरीके से। तो यही बता रहा है कि यहाँ पे सर कुछ तो है प्लांट के अंदर जो सनलाइट पड़ने पे एक्टिवेट हो जाती है। तो वो चीज क्या है, एक सुगर की हाइपोथेटिकल हार्मोन जिसका नाम है फ्लोरिजन, वही हमारा होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग कराने के लिए। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, डियर स्टूडेंट्स सबको क्लियर हो गया कि सर कोई एक हार्मोन है जो सूर्य के प्रकिरण पड़ने पे एक्टिवेट हो जाती है, एंड देन वो एक सुगर हाइपोथेटिकल हार्मोन बनाती है जिसका नाम फ्लोरिजन है, और फ्लोरिजन आपको पता है कि सर वो फ्लावरिंग कराता है। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के बारे में देखे, फोटो पीरियड क्या देखे, क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है, ये चीज देखे। अब देखेंगे कि तीन तरह के कौन कौन से होते हैं। तो आप कहोगे सर एक शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट होता है एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट एलडीपी, फिर कहोगे सर शॉर्ट डे प्लांट एसडीपी, और डे न्यूट्रल प्लांट। सर जो न्यूट्रल होते हैं ना ही दिन में उनपे कोई असर ना ही रात का कोई असर, तो न्यूट्रल प्लांट होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। तो हमको ये चार्ट अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, बस यहां तक बोलो समझ में आ गया। हाँ वेट कर लो, पीडीएफ खुल जाए। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डी डे न्यूट्रल प्लांट, इसके बारे में हमें देखना है। जब पीटिया बड़ी होती है ना तो वो खुलने में टाइम लेती है बहुत ज्यादा। ओह क्या बताएं, बीच में कट जाता है। अभी उसकी रिकॉर्डिंग अलग आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग अलग आएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट वन पार्ट टू कर लेंगे इसको, पार्ट वन पार्ट टू कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। या तो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम चली या तो मेरे फोन में प्रॉब्लम चली, दैट्स व्हाई द पीडीएफ इज नॉट क्लियर, बड़ा लेट लोड कर रहा है वो स्क्रीन पे, दो दो पेज की पीडीएफ बनानी चाहिए थी।
हाँ संदीप बताओ। पीडीएफ की लोडिंग की प्रॉब्लम है ना बच्चा, ये उसमें पीडीएफ लोड हो जाए तो क्या। हाँ अभी नहीं दिख रहा है, वो अपलोड हो जाएगा तो मेरे में भी दिखेगा, हमारे में भी नहीं विजिबल है, वो थोड़ा लेट लोडिंग कर रहा है ना पीडीएफ, आई थिंक पता नहीं क्यों। वेट कर लो। आज क्यों दिक्कत आ रही है, तो सही था सब। अच्छा एक मिनट देखते हैं, नहीं रिकॉर्ड नहीं बंद करना भाई, वो अपने आप सही हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। ओके दूसरा तरीका भी हमारे पास अवेलेबल है, शेयर स्क्रीन। यार पीडीएफ क्यों नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, वेट कर लो। आ गया, इतना लेट लेगा तो काम चलेगा। बच्चा बेसिक डेफिनेशन समझ लो पहले, क्योंकि ये लोड अच्छे तरीके से कर नहीं रहे था, सो बेसिकली आप लोग अच्छे से देखो, फिर हम उस चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि वो चार्ट है क्या। देखो बच्चा, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, प्लांट कैसे क्लासिफाई होता है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। इज इट क्लियर? पीडीएफ क्लियर है? आवाज क्लियर है? एक बार थंब दे दो फिर आगे बढ़ते हैं। संदीप पीडीएफ क्लियर है बच्चा? इट पीडीएफ इज क्लियर? टाइप इन चैट बॉक्स। ओके देखो लॉन्ग डे प्लांट बेसिकली क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है कि सर जो डे होगा उसमें लॉन्ग होगा, डे जो होगा हमारा हमारा लॉन्ग होने वाला, लेकिन हमारा जो डे होगा वो लॉन्ग होने वाला, लेकिन जो नाइट होने वाली वो शॉर्ट नाइट प्लांट होने वाली है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में, वही शॉर्ट डे प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट में जो डे होगा वो शॉर्ट होगा, लेकिन अगर हम बात करें नाइट के बारे में तो नाइट हमारा क्या होगा, नाइट। तो बेसिकली एक एक करके लेके चलते हैं। सर लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या होगा कि सर जो दिन होगा वो बड़ा होगा, लॉन्ग डे प्लांट होगा, और फ्लावरिंग जो होगी वो बड़े डे के कंडीशन में होगी, मीन्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस अंडर द लॉन्ग डे कंडीशन। सर जब डे बड़ा होगा 10 घंटे से ज्यादा लाइट जब मिलेगी तो सर हमारी फ्लावरिंग अकर हो जाएगी। LDP में क्या जाना, लॉन्ग डे प्लांट में आप यही जाना कि सर लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग तब होगी जब डे बड़ा होगा, डे की लेंथ की कंडीशन बड़ी होगी, मतलब 10 घंटे से ज्यादा अगर लाइट ओपन होगा या लाइट पड़ेगा तभी हमारी फ्लावरिंग होगी लॉन्ग डे प्लांट में। उसमें आप क्या जानते हो कि सर शॉर्ट नाइट जो होती होगी छोटी होगी, लॉन्ग डे प्लांट में जाहिर सी बात है जब दिन बड़ा हो रहा है तो रात तो छोटी होनी ही होनी है। फिर आप ये बताओ कि सर लॉन्ग डे लेंथ होता है और छोटी नाइट होती है, तो शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो, फिर आप यहाँ लिखोगे सर शॉर्ट नाइट प्लांट होता है। और लॉन्ग डे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, समर वेराइटी प्लांट के नाम से जाना जाता है। भाई लॉन्ग डे प्लांट कब होता है, गर्मी के सीजन में, तो उसका एक और नाम क्या है, समर वेराइटी प्लांट। और उसमें जो गर्मी के सीजन में होते हैं नाम उसका लिख देना सर स्पिनच वीट एंड रेडी। अब यही बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट में, तो आपको सर शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, जिसमें दिन जो होता है वो छोटा होता है,
शॉर्ट डे प्लांट नाम से ही क्लियर है सर, जिसमें दिन छोटा, सर जो फ्लावरिंग होगी वो छोटे डे में होगी, मतलब दिन छोटा होगा तो भी फ्लावरिंग इसके अंदर हो जाएगी। तो यही लिखा कि सर ऐसा कंडीशन जिसमें फ्लावरिंग जो इंड्यूस होगी, मतलब जो फ्लावरिंग स्टार्ट होगी वो उसका जो डे का लेंथ होगा वो छोटा होगा, जैसे इस टाइम का सीजन क्या नाम है कि हमारी ठंडी का सीजन, इसमें दिन छोटा होता है। तो सर ये शॉर्ट डे प्लांट, इसमें जितने भी हमारे इस टाइम के जो फ्लावर हैं जो फ्लावरिंग कर रहे हैं वो शॉर्ट डे प्लांट हो गए। अब बताओगे सर इसके अंदर शॉर्ट डे लेंथ होता है लेकिन नाइट जो होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट नाइट लिखे थे लॉन्ग डे प्लांट में, यहाँ पे एसडीपी में मतलब शॉर्ट डे प्लांट में क्या बताओगे सर? शॉर्ट डे प्लांट मतलब कि नाइट जो होगी, रात जो होगी वो बड़ी होगी, तो आप बताओगे लॉन्ग नाइट प्लांट। और लॉन्ग नाइट प्लांट हो गया तो इसीलिए कब होता है? विंटर सीजन में। तो आप बताओगे सर विंटर वेराइटी प्लांट भी बोला जाता है, जैसे एग्जाम्पल सोयाबीन। डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है बच्चा? डे न्यूट्रल प्लांट होता है कि सर फ्लावरिंग इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डे लाइट, मतलब कि दिन के ऊपर नहीं डिपेंड करती है हमारी फ्लावरिंग और ना ही रात के ऊपर। उस चीज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट भी बोला जाता है, और ये थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो ठंडी हो चाहे सॉरी ठंडी हो चाहे वो हमारा समर वेकेशन हो चाहे विंटर हो चाहे कोई भी चीज हो, ये न्यूट्रल मतलब क्या होता है, ना किसी का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। तो उसका एग्जाम्पल बताओगे सनफ्लावर। क्या बताओगे बच्चा? सनफ्लावर बताओगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो हम कुछ चार्ट दिखाना चाह रहे हैं, संदीप देखो बच्चा हम तुमको बता, एक मिनट यार क्या हो क्या जा रहा है। ठीक है देखो हमने क्या बना दिया, एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से हमने बताया, देखो इस तरह से बना हुआ है जिसमें ये हमारा जो होता है क्रिटिकल लेंथ है। क्रिटिकल लेंथ मतलब क्या सर? 10 घंटे का, ठीक है? क्रिटिकल लेंथ है मतलब कि इसके सर फोटोपीरियोडियम 6 टाइप के होते हैं। नो दिस इज नॉट अ 6 टाइप के, 6 टाइप के नहीं होते हैं। हम ये बता रहे हैं कि सर हमारा 3 तरीके का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द डे एंड लाइट कंडीशन पे हमारी होती है। तो ये देखो क्रिटिकल लेंथ है बच्चा, क्रिटिकल लेंथ मतलब क्या? ये बीच वाला होता है ना, मिनिमम। मिनिमम मतलब कि इस लाइन पे अगर हम लाइट देंगे तो फ्लावरिंग हो जाती है, मतलब मिनिमम जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है बीच वाला। तो सपोज दैट ये हमारा 0 है तो इसके ऊपर 12 घंटे लाइट इधर है और 12 घंटे नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर नाइट का दिखा रहा है, 12 घंटे नाइट और 12 घंटे डे, टोटल हमारे घड़ी में कितना होता है? 24 घंटे होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर ना 12 घंटे नाइट हो रहा है, 12 घंटे डे हो रहा है। क्या हो रहा है? 12 घंटे नाइट हो रहा है और 12 घंटे क्या हो रहा है? डे हो रहा है बच्चा। और ये हमारी क्रिटिकल लेंथ है मतलब कि बीच वाली, बीच वाली मतलब कि या इस लाइन से ऊपर हमारी रात होने लगी, इस लाइन से नीचे हमारी क्या हो जाएगी? दिन होने लगेगा। इस लाइन के क्रिटिकल लेंथ से नीचे की तरफ जब आएंगे तो हमारा डे दिखाता है, ऊपर की तरफ हमारा क्या दिखा रहा है? नाइट दिखा रहा है। बच्चा अभी तुम्हें क्या करना, ध्यान देना है, डीएनपी में, डे न्यूट्रल प्लांट और हमारा शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट में देखना है, ठीक है? ध्यान देना इस ग्राफ को, ध्यान देना बस थोड़ा सा, बस और मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं, किस्मत साथ दे दे बस। देखो बेसिकली अगर बात करते हैं कि देखो ये शॉर्ट डे प्लांट होता है, ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही बताना है। पीडीएफ खोल क्यों नहीं रही भाई? सबसे बड़ी बीमारी है पीडीएफ की है, पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रही है। ठीक क्या हो, क्या जाता है इसको? यार ओह एक बार में एक पेज खुलेगा तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा? परेशान हो चुके हैं इस पीरियड।
और पीटीएस हम पढ़ाएंगे ही नहीं, 4 दिन से हमें इसमें धोखा मिल जा रहा है पीडीएफ की वजह से। शिट, संदीप ये काम करो, टेलीग्राम वाला ऑन कर दो। संदीप टेलीग्राम वाला बच्चा ऑन करो एक बार, और टेलीग्राम पे आओ।